ओके बच्चों, सो होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट के कल हमने बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए थे कल तक। अभी आज क्या करना है आपको, बार बार बात ध्यान से सुननी है। बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग्स, होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, वी आर गोइंग टू डू इट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। दैट इज टू से एज पर AS 21, नॉट इंड AS। वी आर गोइंग टू डू इट एज पर AS 21। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू नो द ओल्ड शेड्यूल 3 एज वेल। ओल्ड शेड्यूल 3 मतलब जो डिवीजन 1 वाला पार्ट है, जिसके लिए इंड एस एप्लीकेंट कंपनीज नहीं है, जो इंड एस कंप्लायंट नहीं है उसके लिए। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 आपका ऑलरेडी पढ़कर हो चुका है, कहां पे, आपके इंटरमीडिएट में या आईपीसीसी में। तो इस वजह से अभी मैं आपको सिर्फ शेड्यूल 3 लिखा कर दूंगा, और लिखा कर देने के बाद में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको वो याद आ जाएगा। अगर आपको वो क्लिक नहीं होता है, देन इट वुड बिकम मैंडेटरी एंड नेसेसरी फॉर यू टू गो बैक एंड स्टडी इट। इज दैट ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट शेड्यूल 3 में अपने पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइमरीली लगेंगे, एक है बैलेंस शीट और एक है पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। तो आज के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट। हैविंग सेड दैट, अब नेक्स्ट चीज, एग्जाम में आपको अभी बता के रख देता हूं, एफआर का पेपर लेंदी आएगा, एफआर का पेपर लेंदी आएगा। तो अभी से हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से इसके आंसर्स को लिखेंगे। इज दैट ओके? तो उस मायनों से भी ये शेड्यूल 3 का प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? यस। दिस इज द बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो इट इज फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, दैट इज द बैलेंस शीट। पार्ट 2 इज व्हाट, पी एंड एल अकाउंट। नाउ इन बैलेंस शीट यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज ऑन व्हाट डेट, व्हाट एवर एक्स वाई जेड। देन यू हैव गॉट पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें फर्स्ट वन होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देर इज नो करस्पॉन्डिंग नंबर ओवर हियर, सो इट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड देन वी राइट डाउन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फर्स्ट आइटम आएगा आपका ए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हम नहीं लेंगे। शेयर एप्लीकेशन और रादर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद में क्या लेना है बेटा जी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में चार हेडलाइन आएंगे, चार आइटम्स आएंगे। उसमें से फर्स्ट वन होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एग्रीड। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद में आपका नेक्स्ट होगा डीटीएल, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स वगैरह ये चीजें आएगी, यस और नो, विच इज कंपनीज लॉन्ग टर्म बोरिंग। नेक्स्ट डेफर टैक्स लाइबिलिटी डीटीएल एज पर AS 22 विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। द वर्ड नेट इसलिए है, अगर डीटीए से डीटीएल ज्यादा रही तो इट विल बी शोन ऑन द डीटीएल साइड, अगर डीटीए ज्यादा है, डेफर टैक्स असेट ज्यादा है, तो इट विल बी शोन ऑन द असेट साइड। गोइंग अहेड देन यू हैव गॉट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी या कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मे कम हियर। इज दैट ओके? देन यू हैव गॉट करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स व्हाट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, राइट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल्स। ऑलराइट, तो ऊपर के केस में जो डीटीएल है उसको ट्रेड पेबल से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी के सारी चीजें एज इट इज कॉन्स्टेंट है। इज दैट ओके? सो क्या मैं बता सकता हूं आपको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले हेडिंग, फिर उसके अंदर क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर जब हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी चार होती है और करंट लाइबिलिटी कितनी, चार। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर उसके बाद में हाँ जी डेफर टैक्स लाइबिलिटी डीटीएल, देन वी हैव गॉट लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर जब मैं बात करूं आपके साथ में करंट लाइबिलिटीज का, तो उसमें आएगा फर्स्ट वन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ट्रेड पेबल, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वेरी गुड। असेट साइड में बेटा जी फर्स्ट आपका आता है दो हिस्से, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में पांच आइटम है, फिक्स्ड असेट एक फर्स्ट। फिक्स्ड असेट में बेटा जी चार आइटम होते हैं, फर्स्ट वन होगा टेंजिबल फिक्स्ड असेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। इज दैट ओके? सो ये चार आइटम अंडर फिक्स्ड असेट, वो टोटल आइटम कितने, ए बी सी डी ई होंगे। बी होगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी होगा डेफर्ड टैक्स असेट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट?
तो कितने आइटम है एसेट साइड में? देर आर इन टोटेलिटी फाइव आइटम्स. एम आई कम्युनिकेटिंग फ्रेंड्स? और फिर बेटा जी नेक्स्ट पार्ट क्या है? करंट एसेट. करंट एसेट में फर्स्ट आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर इन्वेंट्री, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट. कैसे? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट. इज दैट ओके? इस तरीके से आपके करंट एसेट में देर आर टोटली सिक्स आइटम्स. नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, दैट किसी भी सूरत में एक चीज का ध्यान रखना. छोरी किसी भी सूरत में एक चीज का ध्यान रखना, छोरी तू भी सुन ले, कि आपको सारे आइटम्स याद होने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पर भी आपका गलत इंप्रेशन पड़े और आपका एग्जाम में सोचना और लिखना दोनों एक साथ हो. ये चीज क्लियरली आपके ब्लड में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज द बैलेंस शीट फॉर्मेट. तो सिर्फ इसी वजह से हम एक बार बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर मैं आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद में होल्डिंग कंपनी में किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा. इज दैट ओके? सो बेटा जी जो चीज मैंने कैंसिल किया उसको छोड़कर बाकी आपको फॉर्मेट लिखना है. फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 एंड यू कैन राइट डाउन बैलेंस शीट. फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 एंड यू कैन राइट डाउन बैलेंस शीट.
ठीक है, शैल आई टेक इट? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स फ्रॉम सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बेटा यहां पर शेयर कैपिटल, इधर लिखिए नोट, विल ओनली बी ऑफ होल्डिंग. यहां पर शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा. यहां पर शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा, यह बात ध्यान में रखना. उसके बाद में बेटा जी, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी के बीच में आपको एक नया आइटम ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी इन बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है हमने वर्किंग नोट के थ्रू देखा था. यस और नो? जब भी आप लाइबिलिटीज को वर्किंग करेंगे हमेशा ध्यान में रहे इधर ब्रैकेट में फिगर का वर्किंग देंगे, और ये लाइन बाय लाइन आइटम ऐड होगा. सो देखो, ये लाइन बाय लाइन ऐड होगा, ये लाइन बाय लाइन ऐड होगा, मतलब लाइबिलिटीज और असेट्स सारे लाइन बाय लाइन ऐड होंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस लाइन बाय लाइन ऐड नहीं होता. मतलब ये वाला पार्ट लेक्चर वन अगर आपको याद आ रहा होगा तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस लाइन बाय लाइन ऐड नहीं होता, हाँ नहीं, बट बाकी के सारे लाइन बाय लाइन आइटम ऐड हो जाते हैं. ओके, इसके बाद में आपको और एक चीज बताता हूं. जब आप डिविडेंड पेबल लिखेंगे यहां पर अदर करंट लाइबिलिटीज में डिविडेंड पेबल, सो लिख लीजिए डिविडेंड पेबल विल बी ओनली ऑफ होल्डिंग. ऐसा क्यों? आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर. विल ओनली बी ऑफ व्हाट? होल्डिंग. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एम आई कम्युनिकेटिंग? विल ओनली बी ऑफ व्हाट? होल्डिंग. अगर आपका ये हो जाए तो कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप? देन बॉयज एंड गर्ल्स, नीचे इनटेंजिबल असेट में, इनटेंजिबल असेट में बी वेरी केयरफुल टू इंक्लूड व्हाट? गुडविल, और इट शुड बी सीआर. तो आपको और एक कौन सी चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा? गुडविल और सीआर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. एम आई कम्युनिकेटिंग? इसमें आप किसकी किसकी नोट बनानी चाहिए? दो आइटम्स की नोट जरूर बनानी चाहिए, एक है शेयर कैपिटल और एक है फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट. इज दैट ओके? इन दो आइटम्स की अगर आप नोट बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, बाकी के आइटम्स हम लाइन बाय लाइन ऐड कर लिखते जाएंगे. इज दैट ओके? ऑलराइट, कैन वी गो राइट नाउ? मैं अज्यूम करता हूं कि आपको फॉर्मेट पक्के से याद हो गया है, और अभी फॉर्मेट में आप मेरे को कोई तंग नहीं करने वाले. कैन आई टेक यू राइट नाउ? ऑलराइट, सो हियर वी गो. और अब हम क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे. ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं सो इट वुड बी 110% एज पर व्हाट? एज पर व्हाट? शेड्यूल थ्री फॉर्मेट. यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू दी क्लास वर्क प्रॉब्लम नंबर वन. Please read it. What does it say? A limited holds 80% equity share capital of B limited, which was acquired on 31st December 2010. Please highlight this date, 31st December 2010. इसके पहले का प्रॉफिट प्री है, इसके बाद का प्रॉफिट क्या है? पोस्ट है. When the later company had a credit balance of profit and loss account of rupees 15,000 and general reserve of 20,000. पी एंड एल अकाउंट में कितने का बैलेंस है? 15,000. और जीआर में कितने का बैलेंस है बेटा जी? 20,000. स्टॉक हेल्ड बाय ए लिमिटेड इंक्लूड 5,000 फॉर गुड सप्लाइड बाय बी लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. बेटा आई एम आस्किंग यू फर्स्ट, हु इज होल्डिंग एंड हु इज सब्सिडरी? हु इज होल्डिंग, हु इज सब्सिडरी? सो यू से ए इज वॉट? होल्डिंग. ओके, ए इज होल्डिंग. सो हु इज बी? सब्सिडरी. बेटा किसने किसको माल बेचा? स्टॉक हेल्ड बाय ए लिमिटेड, सो जाहिर सी बात है किसने किसको बेचा होगा? बी ने ए को बेचा होगा. कल मैंने आपको सिखाया था, मुझे बताओ किसको प्रॉफिट हुआ? बी को हुआ कि ए को हुआ? बी को हुआ कि ए को हुआ? बी को. बी को हुआ, तो बी की नोट कौन सी है? नोट नंबर थ्री या नोट नंबर टू, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. अब इसके आगे से मैं नोट टू और थ्री नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली नोट का नाम बोलूंगा. क्या है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट.
ध्यान में रहिए, जब सेल किया जाता है वो जो यूआरपी होता है जनरली 99% केस में वो पोस्ट में ही आएगा. यूआरपी शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम पोस्ट. राइट सर, आप फ्री क्यों नहीं बोल रहे हो? आईसीआई है सर, आप 99% की जगह 100% क्यों नहीं बोल रहे हो? आईसीआई कुछ कर सकती है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, प्री जब आप एक्वायर नहीं किए थे उसके शेयर्स, तो उसके पहले का प्रॉफिट हम यूआरपी नहीं बोल सकते, दैट प्रॉफिट विल बी रियलाइज्ड ओनली. इसीलिए ट्रिक सिंपल है पांडे जी, कि यूआरपी की एडजस्टमेंट हमेशा कहां पे होगी? पोस्ट में. इज दैट ओके? सो जब मैं 99% बोलूं तो समझ जाना इट इज एज गुड एज 100% ओनली, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, आगे बढ़ते. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2011, मतलब एक्विजिशन के एक साल बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है. तो क्या है उस दिन की बैलेंस शीट दी है क्या? यस, देखिए 31 दिसंबर के इक्विटी शेयर 5,01,00,000 सीआर दिया हुआ है, जीआर पी एंड एल अकाउंट क्रेडिटर बिल्स पेबल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड स्टॉक डेटर्स एंड कैश. माय फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी शेयर्स डिड यू बाय? 80%. तो कितना माइनॉरिटी के पास है? 20%. सही यस. अच्छा नेक्स्ट चीज बेटा जी, आपका क्रेडिट बैलेंस कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? 15,000. और बेटा अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,000 है क्या? बेटा ओपनिंग 15,000 था, अभी 10,000 है क्लोजिंग बैलेंस. तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो गया 5,000 का, क्योंकि मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अच्छा मेरा जीआर कितना था? 20,000. अभी कितना है? 30,000. तो जीआर कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ पोस्ट में? 10,000. इज दैट ओके? अब आगे बढ़ते बेटा, कितने का माल है? 5,000 है क्या? बेटा 5,000 सेलिंग प्राइस होगी मैक्सिमम केसेस में. राइट देखो ये 20% ऑन सेलिंग प्राइस है ना. ये देखो सी प्लस पी इज इक्वल टू एसपी. सी इज व्हाट? कॉस्ट. पी इज व्हाट? प्रॉफिट. एसपी इज व्हाट? सेलिंग प्राइस. मुझे बताओ कितना है? नहीं 5,000 नहीं, किसका परसेंटेज कितना दिया है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस. जिसका परसेंटेज दिया जाए उसको क्या पकड़ लो? 100. देख भाई पढ़ बराबर, यही लिखा ना, 20% ऑन सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट है? सेलिंग प्राइस. सो एसपी 100, पी कितना आ जाएगा? 20. और कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 80. बचपन में मेरी सुंदर टीचर ने सिखाया था मुझे, सुंदर मैडम हुआ करती थी, वो बोलती थी कि जब भी परसेंटेज दिया जाए बेटा तो वो किसमें से होता है? आउट ऑफ 100. ये मैंने कर दिया. अब 5,000 कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? सो ध्यान में रखना बेटा, ए लिमिटेड बता रहा है कि मेरे पास इतने का माल पड़ा हुआ है. सो ए लिमिटेड के पास कौन सी प्राइस होगी? उसको कॉस्ट पता होगी कि सेलिंग प्राइस पता होगी? उसको सेलिंग प्राइस पता होगी. यस सर. सो आई राइट डाउन 5,000 ईयर एंड आई कैलकुलेट प्रॉफिट एक्स ईयर. सो प्रॉफिट वुड बी हाउ मच? 5,000 × 20/100. तो मेरा भरोसा नहीं मानोगे, इसमें भी बच्चा मिस्टेक करके आता है. सो यूआरपी कितना हुआ बेटा जी? 1,000. राइट, ये 1,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा यूआरपी का? इधर लिख कर रखो, यूआरपी का ट्रीटमेंट क्या होगा 1,000 का? लिखो लेस फ्रॉम पोस्ट, लेस फ्रॉम पोस्ट एंड लेस फ्रॉम स्टॉक, लेस फ्रॉम पोस्ट एंड लेस फ्रॉम स्टॉक. सही मेरे बच्चे, लेस फ्रॉम पोस्ट एंड लेस फ्रॉम स्टॉक. सो हियर वी गो. अब बेटा आज आपको हाथ चलाना पड़ेगा, यू हैव टू बी जेन्युइनली वेरी फास्ट. हियर वी गो. सो राइट डाउन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अच्छा ये नहीं बनाना है, पहले डायरेक्टली हम बनाना शुरू करते हैं. लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन 31 दिसंबर 2010. 80% और माइनॉरिटी कितना है? 20%. बी वेरी क्विक व्हेन यू आर राइटिंग डाउन. शेयर होल्डिंग पैटर्न ए लिमिटेड 80%,
एंड माइनॉरिटी इंटीग्रेटेड कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है 20%, एग्रीड। अच्छा पूरी क्लास अभी देखकर बताएगी मुझे, आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना है। अभी जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना है पांडे जी, तो मुझे बताओ कॉलम कितने बनेंगे, प्री का तो एक, पोस्ट में कितने कॉलम बनेंगे बेटा, दो या तीन? ये डोकरी बता रही है तीन, मेरे को नहीं लगता तीन बनेंगे, मेरे को लगता है दो ही बनेंगे। क्यों? सीआर नलायक बी लिमिटेड का नील है, बना के क्या करूंगा, ढोकली। कैपिटल रिजर्व का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे हम, सही है ना? तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के कॉलम देखो समझ में आ रहेगा, मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ कॉलम बनाए, देखो समझ में आ रहेगा। पहला एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर्स, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन में पी एंड एल अकाउंट और जनरल रिजर्व। प्लीज राइट फास्ट, मुझे स्पीड चाहिए। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन में पी एंड एल अकाउंट और क्या है बेटा जी, जनरल रिजर्व। एवरीवन प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड जीआर व्हिच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट इन द फर्स्ट थ्री फोर लाइंस। 15,000 किसका है बेटा, पी एंड एल अकाउंट, और जीआर का 20,000। तो ये देखो जनरल रिजर्व मैंने लिखा 20,000। गुड़िया मुझे एक बार देखकर बता क्लोजिंग बैलेंस कितना है जीआर का। एवरीवन फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जीआर, 30,000। सो व्हाट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, 10,000। सो आई विल राइट डाउन 10,000। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, 15,000। सो आई विल राइट डाउन 15,000 इज माय ओपनिंग पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस। डियर फ्रेंड व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस, 10,000। सो वेदर यू हैव अर्नड प्रॉफिट और लॉस, लॉस 15 का अगर 10 हो रहा है तो लॉस है, नेगेटिव 5,000। से यस। अच्छा होल्ड ऑन, मुझे एक बात बताइए यूआरपी कितना है, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 1,000। किसमें एडजस्ट करने का, प्री या पोस्ट, पोस्ट। तो बेटा यूआरपी माइनस करेंगे हम, क्यों माइनस करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना अनरियलाइज प्रॉफिट हमेशा माइनस ही होगा। मतलब अगर वो माल नहीं बेचते तो 1,000 का प्रॉफिट नहीं होता, 1,000 का प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस बढ़ता, इसीलिए नेगेटिव करेंगे यूआरपी। कितना आएगा, 1,000, और टोटल इस तरीके से बन जाता है पांडे जी 35,000, 6,000 एंड 10,000। चलिए अब मेरी एक लास्ट बात सुन लीजिए, इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना है 80% और माइनॉरिटी का शेयर कितना है 20%। अब पूरी क्लास सुनेगी, ये कैलकुलेशन के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन 100% सही है, फॉर्मूला लगा करके हुआ। ये वाला पार्ट आप हमेशा शेडेड करोगे, क्योंकि ये आपको पता चल गया जाएगा माइनॉरिटी में, ये वाला पार्ट शेडिंग करोगे, शेडिंग करोगे तो इससे क्या पता चल जाएगा, सीओसी। समझ आ रहा है क्या पांडे जी? और हर एक बच्चा शेडिंग करेगा, मतलब करेगा, क्योंकि आगे जाते वक्त ऐसे बहुत सारे शेडेड पार्ट निकलेंगे एक ही प्रॉब्लम में, सो यू हैव टू शेड दैट पोर्शन, देन द रिमेनिंग विल गो वेयर इन कंसो पी एंड एल अकाउंट। वेरी गुड, चलो डू इट क्विकली। अगर हो सके तो अपने आप से करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, क्लास में एक रीडिंग कर लीजिए मेरे साथ ही। डू नॉट वरी कि अगर आपको थोड़ा बहुत लिखने में तकलीफ आ रहा होगा तो, बट कीप ऑन गिविंग अ ट्राई, बिकम इंडिपेंडेंट। चलिए हो गया बेटा, कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एवरीवन इज गोइंग टू टेक अ पॉज। पहले क्या लेना होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जरा देख के बताओ बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। सभी बच्चे सीख जाएंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां पे देखना है, कितना है? 1,20,000। बेटा कोई भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है क्या? डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस करना है। इसके अलावा इसमें से क्या लेस होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो आपको शेडेड पोर्शन दिखेगा सीओसी। अगर कल की वर्किंग याद आ रही होगी, सिर्फ नोट नंबर 200% पर गेम खेलती है, बाकी की सारी नोट्स प्रोपोर्शनेट परसेंटेज पर गेम खेलेगी। मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का? 2,00,000 है क्या? हाँ या नहीं? सॉरी 1,00,000। सो कितना है? 1,00,000 है क्या? 1,00,000 का कितना परसेंट? 80%। कितना हो जाएगा? 80,000। तो ये देखिए बेटा जी, शेयर इन नेट असेट, इस लाइन का मीनिंग समझे, शेयर इन नेट असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेक्चर वन, याद रखिए, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेक्चर वन में मैंने आपको बताया था। इस वजह से हमको नेट असेट निकालनी होती है, असेट माइनस लाइबिलिटी। उसको हम दूसरे एंगल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, यस और नो? सो बेटा शेयर कैपिटल लेस होएगा 80,000, और प्री एक्विजिशन जो शेडेड पोर्शन है, चेक करके बताइए कितना शेडेड पोर्शन है? 28,000। 1,08,000 माइनस होगा और आपकी गुडविल आ गई कितनी? 12,000, और एक गुडविल जाएगी इनटेंजिबल असेट में। इज दैट ओके? बी क्विक, राइट इट डाउन। मुझे अभी फुर्ती चाहिए क्योंकि हमें रूल क्लियर है दिमाग में। अगर आप पास होना चाहते हैं तो यह प्रॉब्लम आपको 25 से 30 मिनट में कंप्लीट करनी ही होगी, एंड यू कैनॉट कंप्लेन दैट द प्रॉब्लम इज लेंदी। क्योंकि जब पैसे मिलेंगे और जब आप सीए मिलेंगे, रुतबा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तब भी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आज भी कंप्लेन मत करिए, जस्ट डोंट कंप्लेन, कीप ऑन परफॉर्मिंग। If you have done with this, shall we move on? After that, goodwill and CR, what is the next? Minority interest. Minority interest में जाएगा share capital, pre-acquisition reserve और post-acquisition में GR और P&L account. Yes or no? Last की line और share capital का 20%. ये रहा minority interest आपके सामने. Minority interest में first आएगा आपका share capital 20,000. Pre-acquisition reserve कितना है बेटा जी? 7,000. Post-acquisition में दो जाएंगे. एक P&L account आएगा और एक GR. P&L अकाउंट का बैलेंस देखकर बताइए, माइनस 1200 नेगेटिव और 2000 किसका बेटा? जनरल रिजर्व 2000। टोटल लेकर बताएंगे पांडे जी एक बार? 20 और 7 27, 27 माइनस 1200 प्लस 2000 कितना आ रहा है? 27,800। और ये सही जवाब, बी क्विक एंड राइट इट डाउन। टेक्स्ट बुक ला सकते हो क्या? बोले होंगे अपने यहाँ पे ऑफिस में। हो गया यहां तक 27,800? कैन यू गो इट नाउ? यस, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम विच वी हैव टू डू नाउ? आई विल राइट डाउन कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस।
लेट्स राइट डाउन द हेडिंग व्हाट कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है. सो मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स. क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से एक है पी एंड एल अकाउंट और एक है जीआर. बेटा होल्डिंग्स, ओपनिंग बैलेंस बताओ बेटा कितना है होल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस. इसमें ए लिमिटेड है होल्डिंग, है ना. होल्डिंग, अच्छा सीआर भी है, एक सीआर का भी कॉलम बना लेते. सीआर कितना है बेटा? हा 1,20,000. ओके बेटा पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 40,000. बेटा जीआर का कितना है? 1,00,000. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस बेटा. अभी क्या करूं? शेयर फ्रॉम फ्रॉम सब्सिडरी पी एंड एल अकाउंट कितना है? 4,800 नेगेटिव. जीआर का कितना है बेटा? 8,000. सीआर कितना है? निल. तो बेटा जी कितना आ जाएगा ये? 40,000 माइनस 4,800 इज इक्वल टू हाउ मच? 35,200. 1,00,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 1,08,000. एंड दिस विल बिकम हाउ मच? 1,20,000. क्या आपको सारे रिजर्व एंड सरप्लस मिल गए क्या होल्डिंग के? आप रेडी हो? सभी लोग क्वेश्चन के पास आएंगे. अच्छा यहां तक हो गया क्या बेटा? अब इस कॉन्सेप्ट को मैं नाम दूंगा रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट. ओरली आप बनाना शुरू कर देंगे रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट. एवरीवन इज गोइंग टू डू इट. फर्स्ट जो जो चीजें लाइन बाय लाइन ऐड कर सकते हो उसको ऐड करो. 245,500 प्लस 23,000. बी क्विक एंड बी ऑन योर टूज. ये हो गया. ये cancel, ये नहीं क्लब हो सकता. स्टॉक 4,14,000 प्लस 1,23,000 माइनस 1,000. आई होप यू अंडरस्टैंड वाई माइनस 1,000. दिस इज यूआरपी. बोलो कितना है? यूआरपी माइनस होगा सिर्फ. हा 4,14,000 प्लस 1,23,000 माइनस 1,000 कितना रहा? 5,36,000. वेरी गुड. देन माय डियर फ्रेंड 87,000 प्लस 37,400. 1,24,400. वेरी गुड. कैश 64,500. गुडविल आया था क्या बेटा? राइट डाउन गुडविल. मतलब ये चीजें अभी जहन में बिठा लो. गुडविल 12,000. ये सोचना ही सोचना है. डन. शेयर कैपिटल बी लिमिटेड का कभी नहीं आ सकता. सिर्फ किसका आएगा? ए लिमिटेड का. सीआर 120 है क्या? नोट चेक करिए और मुझे बताइए. सीआर 120 है बेटा. जीआर का क्या स्टेटस है? 1,08,000. बेटा पी एंड एल अकाउंट का क्या स्टेटस है? 35,200. बेटा जी क्रेडिटर्स मैच करिए, ऐड करिए. 149,700 प्लस 36,000 185,700 और 21,300 प्लस 7,400 28. आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू टेक अप द टोटल एंड सी इफ इट टेलीज. ओ माइनॉरिटी, वेरी गुड. सॉरी माइनॉरिटी. माइनॉरिटी कितना बेटा? 27,800. प्लीज टेक अप द टोटल. इधर के इधर बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए. इसको रियल लाइफ में बोलते हैं कंसोलिडेशन स्केड्यूल. समय की कमी की वजह से हम कंसोलिडेशन स्केड्यूल नहीं बना पाएंगे. कुछ बुक्स में कंसोलिडेशन स्केड्यूल बनाया जाता है, जैसे एमपी विजय कुमार, पादुका प्रकाशन, कुछ बुक्स में कंसोलिडेशन स्केड्यूल्स बनाते हैं. टैली हो रही है 10,05,400. अब मैं क्या करूंगा सुनिए, तुमको स्पीड बढ़ानी है बराबर है. मेजॉरिटी केस में बच्चा एग्जाम में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता कि उसको स्पीड कहां पे बढ़ानी है. कैलकुलेशन में स्पीड स्लो रही मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ध्यान से करना पड़ता है. बट एक बार कैलकुलेशन हो गई उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना, तुम्हें मैक्सिमम 2 मिनट से लेकर 2.25 मिनट में बैलेंस शीट बनानी है. तुम्हें स्पीड बनानी ही पड़ेगी.
ध्यान, 2.25 3 मिनट जो भी लीजिए, मतलब मेजर टाइम बैलेंस शीट बनाने में डालता है बच्चा, जो मेरा एनालिसिस है। बैलेंस शीट में आपको टाइम कम डालना है, इसलिए यहां पर कंसोलिडेशन स्केड्यूल में अपनी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। और उसके बाद में अभी देखिए कितने फास्ट तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे। इज दैट ओके? आप चाहे तो टाइम लगा लीजिए अब, ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास फिगर नहीं है, तो फिगर आपको बताने पड़ेंगे, और यहां पर मैं बनाना शुरू करता हूं। आई विल राइट डाउन एंड माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन, कैन आई हैव द डेट प्लीज? 2010 एंड आई विल राइट डाउन 11। चलो तुम भी क्या ध्यान में रखो, मुझे लगता है किसी ने टाइम लगाया है। रुपीज नोट, आई विल राइट डाउन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 कितना है बेटा जी? 5 लाख। आपको रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट में देखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब अगर आपके पास समय है तो उसकी नोट नंबर 2 बना दीजिए, समय नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जनरल रिजर्व बेटा बोलो कितना है? जनरल रिजर्व 4,08,000 बेट, हाँ 1,08,000। जनरल रिजर्व के बाद में पी एंड एल अकाउंट देखिए, बताइए मुझे कंसोलिडेटेड, हाँ 35,200 और सीआर 1,20,000। फिर उसके बाद में मुझे लिखना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर है कि ये फॉर्मेट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बोलो कितना है? 27,800। जैसे ये हुआ फिर मेरे को लिखना है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ है क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ है क्या? नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्या? करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट लिखू क्या? करंट लाइबिलिटीज में मैं अंडरलाइन कर लिखूंगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बोलो बेटा कितना है? दोनों का टोटल आपने करके रखा होगा ना 185,600। और बिल्स पेबल 28,700। कैन आई नॉट हैव द टोटल ऑफ दिस? कितना बताया था आपने? 10,05,400। 10,05,400 एग्रीड। और बेटा जी इसके बाद में हम क्या करेंगे? असेट्स। असेट्स में मैं पहले क्या लिखूंगा? नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या लिखेंगे हम? टेंजिबल फिक्स्ड असेट। टेंजिबल फिक्स्ड असेट कितना है बेटा जी? अभी आपने टोटल निकाल के रखी थी, कितना है? 268,500। फिर इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट्स में मैं क्या लिखूंगा अंडरलाइन कर गुडविल। गुडविल कितनी है बेटा? सो यू मीन 12,000। एग्रीड। फिर उसके बाद में गुडविल के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? कोई नॉन करंट असेट है क्या? नहीं है। करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या क्या है बेटा जी? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बेटा ब्रेकअप दो मुझे इन द ब्रैकेट। ए की कितनी है? 4,14,000 प्लस 1,23,000 माइनस 1,000 कितना आ रहा है? 5,36,000। इज देयर एनी अदर आइटम? सो देन टोटल टर्न्स आउट टू हाउ मच? 10,05,000। हाउ मच? 400। इज दैट ओके? कितना टाइम हुआ? तो मुझे बताया नहीं तुमने, तुमने बोला बैलेंस शीट डाली होगी तो मैंने कर दिया, तो डेटर्स और कैश रह गया क्या? नालायको ट्रेड रिसीवेबल बोल बेटा कितना है? 124,400। और कैश एंड कैश इक्वेलेंट, कैश एंड कैश इक्वेलेंट 64,500। नाउ व्हाट इज द टोटल? अब तो बराबर है ना? 10,05,400। यस और नो? कितना टाइम लगेगा? अब मेरी बात सुनते हो क्या? अगर एग्जाम में समय रहा तो उसके बाद में क्या करोगे आप? नोट्स बनाओगे। अगर समय रहा तो ब्रैकेट में लिखोगे। बट पहला काम सर्वाइवल का करना, नहीं तो एक क्वेश्चन को सबसे ज्यादा टाइम दे के आओगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस का टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इक्वेलेंट टाइम देने के लिए बैलेंस शीट पहले रीड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट करने से आपको क्या कहते हैं उसको, ईजी भी होगा,
विजुअलाइजिंग द आंसर्स एज वेल. ऑलराइट, सो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपने मार्किंग कर कर नहीं रखी थी, आपको करना है तो कर कर रख लीजिए. क्वेश्चन में मार्किंग करना जरूरी है. कर दिया, चलो फिर भी बैलेंस शीट बना लो बेटा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ओके, ऑलराइट. अब इसके कुछ, जैसे एक होता है ना घर बनाना, और घर बनाते वक्त मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बच्चों को पता है कि शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट अगर बनाने जाए तो शेड्यूल थ्री के हिसाब से ही बननी चाहिए. बट जब मैं कंस्ट्रेंट चेक करता हूँ किसी स्टूडेंट का, तो एग्जाम में कितना टाइम दे पाएगा मुझे वो भी देखना जरूरी है. क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आप पूरा सिलेबस या पूरे क्वेश्चंस नहीं करके आएंगे तो आपके डायरेक्टली 16 नंबर या जो कोई भी मार्क्स है वो कट जाते हैं. ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है बच्चे का कि उसको आंसर आ रहा होता है बट वो लिखकर नहीं आ पाता है. अगर आप जीरो मार्क्स का अटेम्प्ट करके आने वाले वो क्वेश्चन, तो मैं आपको कहूंगा कि दो क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट करके आइए रादर देन एक फंटा प्लस और एक जीरो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने मार्क्स आप पेपर ज्यादा लिखेंगे उतनी आपकी स्कोप बढ़ती है मार्क्स देने के लिए. हरी बात धन में. सो अब इस बैलेंस शीट के बारे में मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको देता हूं. सभी बच्चों को पता होगा कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट अगर बनानी है तो उसमें कई सारे डिस्क्लोजर देने होंगे, आपको कई सारी नोट्स बनानी होंगे. बट अभी आपको जुडिशियस दिमाग का अप्लाई करकर ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सी नोट बनाऊंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो शेयर कैपिटल की नोट बनाइए और फिक्स्ड एसेट की नोट बनानी चाहिए अगर प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो. अदरवाइज इट वुड बी बेटर दैट यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग द फिगर्स और हर एक फिगर का ब्रेकअप आप बैलेंस शीट में दो तो चल जाएगा. इज दैट ओके? सो लेट मी एक्सप्लेन यू.
इसका शेयर कैपिटल का स्केड्यूल कैसे बनेगा आपका? शेयर कैपिटल का ये स्केड्यूल बनाया गया आपने, ये शेयर कैपिटल का स्केड्यूल इस तरीके से बनेगा। इज दैट ओके? आप क्या लिखोगे? पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, देन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। इज दैट ओके? क्या मेरी बात पहुंच रही है आप तक? चलो ये नोट वन आएगा, इसमें सिर्फ होल्डिंग का शेयर कैपिटल आएगा। अब नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी अगर आप चाहो तो ब्रेकअप दे सकते हो, हाँ या नहीं? बट मैं इसको वर्किंग नोट का ही पार्ट बना लेता हूं, तो वहां पर हमने इन हर एक चीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। एम आई कम्युनिकेटिंग? रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐसे आएगा, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। जैसे मैंने कहा था कि आप ब्रेकअप यहीं पर दे सकते हो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का। अदर करंट लाइबिलिटीज 28,700 एंड फिक्स्ड एसेट का, जैसे मैंने बताया था कि मैं हमेशा इसका क्या बनाऊंगा, एक नोट बना सकते हैं हम, यस और नो? सो नोट के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ जितने आपके पास असेट्स है उसको लाइन बाय लाइन वहां पर नोट में दिखा देना है। डन डन डन। तो शेयर कैपिटल की नोट कैसे बननी है सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को अभी? तो अभी अगर जहां पे जरूरत नहीं होगी नोट की मैं ना ही बनाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एग्जाम में मत बनाना, मैं सिर्फ आपको इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में पहले सर्वाइविंग मार्क्स मिलने जरूरी है, पहले क्वेश्चन को ज्यादा ना टाइम दे देना और फिर बाकी को टाइम नहीं देना, ये गलत बात है। इज दैट ओके? तो आपके हिसाब से स्पीड देखिए, अगर आपकी स्पीड मैच होती है तो फिर देन डेफिनेटली यू शुड ड्रॉ दोज नोट्स, डेफिनेटली। ऑलराइट, लेट मी गो अहेड। अब बेटा जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू के पास। कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर टू। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31st March 2012। शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व 1/4/2011। प्लीज हाईलाइट द रिजर्व 1/4/2011। डेट मिली कि मिली, खुश हो जाओ। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/4/2011, अगेन हाईलाइट द डेट 1/4/2011। प्रॉफिट फॉर द ईयर इट इज 40,000 एंड 10,000। क्रेडिटर्स, नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। नॉन करंट असेट, शेयर इन एस लिमिटेड और कैश एट बैंक। गोइंग अहेड, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर्स इन एस लिमिटेड, हाईलाइट द डेट 1st October 2011। मतलब करंट ईयर का कितने महीने का प्रॉफिट प्री माना जाएगा? 6 months वुड बी प्री, एंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर डिसंबर जैन फेब मार्च, इट विल बी अज्यूम्ड एज व्हाट? पोस्ट। इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की असेट में क्या इंक्लूड हुआ? ₹30,000 लोन टू एस लिमिटेड शोन एज क्रेडिटर इन एस लिमिटेड। क्या आपको समझ में आ रहा है? इंटर एंटिटी ओविंग है क्या? इंटर कंपनी होविंग्स। तो इधर असेट में से कितना माइनस हो जाएगा जरा देखो, एच लिमिटेड के असेट साइड में कौन सा है? करंट असेट, शेयर्स इन एस लिमिटेड और कैश एट बैंक। तो 180 में से माइनस होगा, 180 में से माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 30,000। एग्रीड? तो ये 150 बच जाएगा ना। और इधर कहां से माइनस होगा? क्रेडिटर्स में से। 30,000 का बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात पहुंची आप तक? यस। आगे बढ़ते हैं। Sundry assets of S Limited include furniture and fittings of 40,000 to be revalued at ₹50,000, being over depreciated as at 1st October 2011. Now there is an interesting scenario. यहां पर लिख लीजिए, rate of depreciation is not given and hence depreciation will be ignored. ना हम depreciation rate इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे opening balance नहीं दिया हुआ है। मुझे एस लिमिटेड का क्लोजिंग बैलेंस पता है बट ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो मुझे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन भी नहीं निकालता था। कल जो एक प्रॉब्लम की थी उसमें हमने पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकाला, उससे रेट निकली थी। आज हम रेट नहीं निकाल सकते, यस और नो? तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा जी, 40,000 का फर्नीचर एंड फिटिंग कितने से रिवैल्यू हो रहा है? 50,000। तो मैंने आपको क्या सिखाया? रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्री और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट। तो डेप्रिसिएशन नहीं देना इसमें, डेप्रिसिएशन वुड बी ignored। आगे क्या लिखा है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। चलो वर्किंग नोट नंबर वन क्या, जल्दी जल्दी पूरा रिविजन करेगी क्लास। वर्किंग नोट नंबर वन क्या?
शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड डेट ऑफ एक्विजिशन. वर्किंग नोट नंबर टू, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. जल्दी से कॉलम बनाइए, बनाइए मतलब बताइए. पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर प्री, हाँ प्री तो आ गया, और पोस्ट में कितने बनेंगे? दो. कौन से? जीआर और पी एंड एल अकाउंट. वापिस से सोचो, क्या जीआर का कॉलम की जरूरत है? क्या बशीगेचन गांव पर फिरेज, क्या जीआर की जरूरत है? क्या वापिस सोचो, दिमाग को चलाओ. नहीं. क्यों नहीं बेटा? क्योंकि जीआर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2011 का, और वो पूरा का पूरा प्री में जाएगा, पोस्ट में लिखने की दरकार पड़ेगी नहीं. आई बात धन में. तो मैं यहां पर जीआर का कॉलम नहीं बनाऊंगा. क्या आपको क्लियर है? यस, गोइंग अहेड. उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा? नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट वर्किंग नोट जल्दी से. सीओसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एग्रीड. डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आसानी से हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ नोट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. फिफ्थ, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. लेट्स बिगिन द स्टोरी. चलिए फर्स्ट वर्किंग नोट लिखिए बेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना दिया बेटा? शेयर होल्डिंग पैटर्न 80% एंड माइनॉरिटी कितना बना? 20%. जिन बच्चों को इजी लग रहा है थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि शुरुआत है, इजी लगेगा बराबर है, बट यहां पर कंसेप्ट बिल्ड हो जाने चाहिए. नेक्स्ट आइटम कौन सा बेटा जी? नोट टू, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. क्या आप देख रहे हो क्या? प्री का कॉलम और एक पोस्ट का. मैंने जीआर का कॉलम नहीं बनाया. बताइए फर्स्ट आइटम कौन सा है? रिजर्व 1/4/2011 का कौन सा आइटम है? समझ नहीं आ रहा है. 10,000. Year is 10,000. Balance of profit and loss account 1/4/2011. You mean 30,000. कौन सा बेटा? Current year का कितना है profit? Current year का profit आपके book में print हो रखा है. कितना हो रखा है भाई? 10,000. बट 10,000 में कहां पे डालूं? पोस्ट में डालते ही तो खत्म, तुम्हारा प्रॉब्लम ही खत्म, तुम खत्म. तो कितना डालेंगे बेटा जी? 1/4/2011 तो 30,000 गया. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 10,000. 6:6, दैट इज 1:1. 5,000 जाएगा ना, फिर नला क्या पोस्ट में 10,000 जाएगा? दारूड है. 5,000 डन. हाँ बेटा जी, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां पे जाएगा? प्री में. कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व? हाँ जी बेटा, 10,000. ये गया रिवैल्यूएशन रिजर्व प्री में, 10,000. सही है ना बेटा? अभी लो टोटल 10, 30, 40, 40 और 10, 50, 55,000. सो 55,000 आया. और इधर कितना आएगा बेटा जी? 5,000. अब इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना? 80%. उसमें से फर्स्ट पार्ट हमेशा शेडेड होगा, प्री एक्विजिशन. कितना है बेटा जी? 44,000. और पोस्ट एक्विजिशन में कितना जाएगा? 4,000. और ये इधर जाएगा 11,000 माइनॉरिटी और 1,000. इज दैट ओके? प्लीज डू इट फ्रेंड्स. ऑलराइट, वंस वी हैव डन विद दिस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सीओसी. चलो जल्दी से करिए सीओसी. पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट.
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बेटा जी? 2,30,000। डायरेक्टली शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, लिखना शुरू करो व्यवस्थित, नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय क्या? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का? 50,000 है क्या? 50,000 का 80% 40,000। चलो शेडेड पोर्शन देखो, नोट नंबर टू, शेडेड पोर्शन 44,000। क्या आपने शेडेड पोर्शन किया है क्या? मुझे एक बार भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए, शेडेड पोर्शन करो प्लीज, ट्रस्ट माय वर्ड्स, इट विल बी हेल्पफुल। 44,000 आउटर कॉलम में कितना जाएगा बेटा? 84,000। गुडविल कितनी आ रही बेटा? 1,46,000, दैट्स राइट। उसके बाद में क्या बनाना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या लेंगे? शेयर कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 10,000 है क्या? शेयर कैपिटल का 20%। फिर और क्या ऐड करेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है बेटा? 11,000। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 1,000। वेरी गुड बेटा। सो सबका मिलाकर टोटल कितना है मेरे रसगुल्ले बच्चे? 22,000, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट फिगर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? क्या जी? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम कौन से कॉलम बनाएंगे? सो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर आपका पी एंड एल अकाउंट है, रिजर्व भी तो है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे पी एंड एल अकाउंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस, सही है ना बेटा? अच्छा फिर हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पी एंड एल अकाउंट का 60,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस का कितना बैलेंस है बेटा? 30,000। फिर मैं करूंगा ऐड करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट बेटा बताओ जरा, करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर प्रॉफिट 40,000, बिल्कुल सही बेटा। मैं क्या कर रहा हूं अभी, पहले होल्डिंग का कार्यक्रम चल रहा है, मैंने पहले होल्डिंग के लिए ले लो सब, इधर कुछ भी नहीं। फिर क्या करूंगा? ऐड शेयर इन सब्सिडरीज प्रॉफिट। बेटा वर्किंग नोट नंबर टू जाके देखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का फिगर कितना है देख के बताइए मुझे। सो योर आंसर इज 4,000, एग्रीड? और रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो कुछ भी नहीं है। सो कुल मिलाकर बेटा ये कितना हो जाएगा? 1,04,000 और ये कितना हो जाएगा? 30,000। से यस, नाउ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड, एवरीवन टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड लेट्स रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की धज्जियां उड़ाते हैं। हां जी, एग्जाम में अलाउड नहीं है, धीरे धीरे तुम ओरली करने लग जाओगे, you have to trust my words, orally करने लग जाओगे, अभी लिखकर करेंगे। बेटा नॉन करंट एसेट मैंने 150 और 120 करके रखा है। 150 कैसे है आपको याद है क्या? इंटर कंपनी होइंग्स, म्यूचुअल होइंग्स, हाँ या ना? 30,000 की म्यूचुअल होइंग्स थी। सो बेटा जी ये फिगर कितना हो जाएगा? 150 प्लस 120 इज इक्वल टू हाउ मच? 270। शेयर लेते नहीं है, कैश एट बैंक 20 प्लस 10 30,000। गुडविल बताओ बेटा 1,46,000। डू ऑल एग्री? ये शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, कितना आएगा? 2,00,000। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस मैंने अभी निकाल कर दिया आपको, ये सारे फिगर कैंसिल।
कितना है बेटा रिजर्व, कितना बता रहे हो रिजर्व? 30,000। और पीएनएल अकाउंट कितना बता रहे हो? 1,04,000। से यस बेटा, ये क्रेडिटर तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था 30,000, और ये कितना रहा? 1,00,000। जरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बता दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 22,000। सही है? देखो ये वाला काम फास्ट करना है, और ये अब भी फास्ट हो सकता है, तुम लिखते लिखते करोगे तो स्लो होगा। चलो अभी एक काम करके बताओ कितना आएगा, 270 + 30 = 3,00,000, 3,00,000 और 1 = 5,46,000। सही है? और इधर से देखकर बताओ बेटा, 30 + 1,04,000 = 1,34,000, 2,34,000 + 2,22,000 कितना रहा है? अरे कुछ तो गड़बड़, हाँ ये 2,00,000 लेना भूल गया, कितना रहा है बताओ? 446 आ रहा है, 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा इधर का क्रेडिटर ये छुप गया क्या मेरे? ये कौन सा वाला फिगर है? अच्छा 1,00,000 है ना, असेट साइड के टोटल गलत बताए क्या? ये 446 है, हाँ 446 है। इधर की टोटल कितनी आ रही है? चप 9,00,000। टू लैख प्लस 30,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,00,000 प्लस 22,000 4,46,000। मजा आ रहा है क्या तुझे मत छेड़ने को? 9,00,000 दोनों 446 आ गया क्या? अरे राम, ये बच्चों को ले जाओ प्रभु, ये मतलब वही कर रहे जो एग्जाम में करते हैं। कौन सा असेट साइड? लाइबिलिटी साइड 456। अच्छा तुम्हें लफड़ा याद आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व का लफड़ा हो गया सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमको असेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 10,000। तो बेटा जी ये जो 150 था और ये 120 है, 120 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2,80,000। तो पर्पस तो यही था ना अपना कि हमारा इधर ही ड्राफ्ट हो जाए फिर हम फास्ट कर ले। तो 280 और ये कितना हो जाएगा? 4,56,000। डू यू एग्री? हाँ ना छोरी? चलो फिर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते बेटा जी। फर्स्ट वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, और अभी आपको ये मेरे साथ ही बनानी है। बी क्विक, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, कैन आई हैव द फिगर प्लीज? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बताओ बेटा कितना है? कितना बेटा? 2,00,000। तो लिख दीजिए 2,00,000। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बना दिया है, हाँ है ना? बताइए बेटा जी, रिजर्व एंड सरप्लस में फर्स्ट आइटम क्या है? जनरल रिजर्व कितना है बेटा? हाँ जी 30,000। जनरल रिजर्व के बाद में नेक्स्ट पी एंड एल अकाउंट 1,04,000। फिर आप बता रहे हो मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 22,000। चलो नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं बेटा, करंट लाइबिलिटीज है, देखना लाइक करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में नॉक ऑफ किया था याद है क्या?
30,000 नॉक ऑफ किया था, तो देखो ट्रेड पेबल एच एस लेस इंटर कंपनी ड्यूज 1 लाख, इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर देना है उसका। बट टोटल कितनी आ रही थी बेटा आपकी? फोर लाख 56,000 है। यस, नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा। असेट्स, असेट्स में फर्स्ट आइटम कौन सा है? फिक्स्ड असेट 1,80,000, टेंजिबल असेट एच लिमिटेड का 1,80,000, सब्सिडरी का कितना है बेटा 1,20,000, इसमें एक म्यूचुअल होल्डिंग्स भी था राइट, और एक एस लिमिटेड की जो फिक्स्ड असेट है कितने की है आपके बुक्स में 120, उसका रिवैल्यूएशन हुआ कितने से 10,000 उसके हुआ ना, सो फर्नीचर उसी के अंदर तो होगा ना पांडे जी, 2,80,000 बराबर है ना। चलो करिए, अगर आप इसको ब्रैकेट में ऊपर ही दिखा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके एच लिमिटेड 180, इधर 120 प्लस 10,000 130 हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद में लेस इंटर कंपनी ड्यूज एक्सक्यूज मी, आपको इंटर कंपनी ड्यूज भी माइनस करने पड़ेंगे 30,000 एंड यू हैव 2,80,000 इजंट इट बेटा। क्या बेटा अभी टेंजिबल के बाद में इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी है? गुडविल, इट इज 1,46,000 और फिर हाँ बेटा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 एंड 10,000, 20,000 एंड 10,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 30,000 एंड प्लीज चेक वेदर इट टैलीज और नॉट। आप रेडी हो? तो क्या बैलेंस शीट टैली होगी? अच्छा, बचपन में एक गांव था, बचपन में क्या आज भी गांव है, तो उस गांव का एक दस्तूर बताता हूं, मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैं तुमको शेयर कर रहा हूं। पता है तुम्हें क्या दस्तूर था उस गांव में? स्विमिंग कैसे सिखाते थे बताता हूं, सच्ची घटनाओं पर आधारित। स्विमिंग कैसे सिखाते थे? पहले थोड़े ना कोच वोच हुआ करते थे, बट पहले भी लोग तैराकी करते थे और बहुत अच्छी करते थे। इनफैक्ट हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे काम किए तैराकी वगैरह करने के, जो काम करते थे वो। तो तैराकी सिखाने का एक तरीका था, कुएं में एक आदमी को रस्सी बांध के फेंक दो। कैसे? मैंने बोला रस्सी बांध कर फेंक दो, बट स्विमिंग तो उसे ही सीखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर जब तक वो आदमी सीख नहीं जाता तैराकी सीखना, तब तक 2-3 दिन उसके दोस्त उसको लेके जाते थे कुएं में, रस्सी बांध के फेंकते थे, एंड देन ही यूज टू ट्राई एंड लर्न द स्विमिंग। दैट वॉज द वे दे वर टॉट स्विमिंग, जिससे वो आदमी इंडिपेंडेंट बनता है। बराबर है? सेम चीज हम करने वाले आज। मैं अभी आपको फेंकने वाला हूं एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, जो मुश्किल है मुझे पता है, और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और मैं आपको लिमिट दूंगा अगले 25-30 मिनट्स, और सभी बच्चों ने ट्राई करना है, बिना ट्राई किए आगे जाना ही नहीं है। अगर बिना ट्राई किए अगर आगे गए, और हमेशा अगर आपको रस्सी की जरूरत पड़ी है तो समझ जाना आपकी स्पीड स्लो होगी। जिन बच्चों को स्पीड बढ़ानी है उन्होंने अपने दिमाग में टारगेट रखना जरूरी है, जिन बच्चों को स्पीड बनानी है उन बच्चों को टारगेट रखना जरूरी है, और जो लोग वर्चुअल में कर रहे हैं वो भी ये हिमाकत ना करें कि अगले 30 मिनट्स मैं रिलैक्स स्टोर में भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो भी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, सारी एडजस्टमेंट मैंने कहीं ना कहीं करा रखी है, इधर इन कंसेप्ट क्वेश्चन,
या अभी, बट ये क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं चाहता हूं कि आपकी थिंकिंग एनहांस हो, और थिंकिंग राइट टाइप पर अगर एनहांस हो जाए तो चीज हो जाती है। तुम्हें अगर पता होगा तो सेल्फ स्टडी जब हम करते, देखो तो चीजें, कुछ चीजें फास्ट होती है, सेल्फ स्टडी जब हम करते तो कुछ चीजें बहुत फास्ट क्लिक होती है और जल्दी जल्दी फास्ट भी होती है, स्पीड बढ़ती है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर थ्री आप अभी ट्राई करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर सही है गलत है, मुझे सिर्फ फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप करते हो या नहीं करते हो, आप कितना सोचते हो और कितना सीरियसली इसको लेते हो। तो जो पेन ड्राइव क्लासेस में कर रहे हो, जो वर्चुअल क्लासेस में कर रहे हो, और जो अपने क्लास में लाइव कर रहे हो, अभी सभी लोगों ने अगले 30 मिनट अपने लाइफ के पूरे 100% डिवोट कर देने, ताकि होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट के मुझे कंसेप्ट में तकलीफ ना आए आगे। ठीक है, सो गेट स्टार्टेड नाउ विथ क्वेश्चन नंबर व्हाट थ्री, लेट मी सी इफ यू कैन डू इट रियल वेल।
बताइए मुझे क्या टली हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आई। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर थ्री के आपका क्या क्या आया। क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्स्ट वन मुझे बताओ एनालिस्ट। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है होल्डिंग का, कितना 90% और 10%, सही है क्या? ओ खरबूजे, अभी देख रहे ना लाइक इधर 90% और 10% है क्या? ए भाई अभी रुक, वाह मतलब इधर ही लफड़ा कर गया है, 90% और 10% में लफड़ा है। ओके, कितने शेयर्स एक्वायर किए थे? 7200 शेयर्स आउट ऑफ हाउ मच 9000 शेयर्स, राइट? तो 80% आना चाहिए। तो वाह, ये तो खरबूजी इधर ही कट गई। 80% हो गया ना, यस। उसके बाद में बेटा जी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? प्री प्री कितना है? 4,47,000। और पोस्ट का कितना आया? पोस्ट का 21,750। अच्छा, क्या तुमने ऐड कर देखा क्या फिर उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस मैच हो रहा था क्या? चलो ये कोई नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे कुछ आए होंगे, तुम्हारे कुछ अलग आए होंगे सर। अच्छा बता दो कितने हैं? 3 लाख और पोस्ट 1,05,000, शाबाश। और तुम्हारा सरकार 2,90,000 और 72,500। तो आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आप एग्जाम में कुछ भी करके आ सकते हो, देखा कि नहीं देखा? अच्छा, उसके बाद में प्री पोस्ट हो जाने के बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपका गुडविल कितना आया या सीआर कितना आया? सीआर आया एक बच्चे का 2 लाख। अच्छा, गुडविल किसी का 4,03,000, 4,02,300 क्या आया ये सीआर? मैडम आपका 1,50,000 सीआर की बात चल रही है, गुड, कमाल है पांडे जी। और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, और ना मेरे में हिम्मत है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस पूछने की, हिम्मत ही नहीं है। तो अब एक काम करते, इस प्रॉब्लम को पढ़ते और लेट्स सी। बट तुम्हें किस नजरिए से देखना है कि आप कहां पे गलत हुए और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, इज दैट ओके? स्पीड तो आपने मैच कर ली कि मतलब आप फिगर तो निकाल रहे हो, तो आपके दिमाग से दिल से मैंने एक भय तो निकाला, एक भूत तो निकाला कि 30 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अगर जान फूंक देंगे तो हम कर देंगे, इज दैट ओके? यस, लेट्स गो ऑन। तो 30 मिनट में तो सॉल्व करके आ जाएंगे, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। अभी ये देखना पड़ेगा कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंज कर दी तुमने, तुम्हें बहुत हुनर तो कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब सबके फिगर अलग अलग और सबके टली हुई है। वाव, ओके, सस्पेंस अकाउंट डाल के टली कर लिया भाई। हाँ, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड बी लिमिटेड इज एज ऑन 31st December 2011, यू हैव गॉट गुडविल एट कॉस्ट, प्लांट एंड प्लांट एट कॉस्ट। गुडविल एट कॉस्ट जो बैलेंस शीट में, उसको हाथ भी मत लगाना, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया एज इट इज, है ना? क्योंकि स्टैंड अलोन की गुडविल है, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी। गुडविल ऑन कंसोलिडेशन आई तो वो लेंगे, और अगर सीआर आया तो नॉक ऑफ नहीं होगा, सीआर अलग से दिखेगा और गुडविल एज इट इज दिखती रहेगी। फिक्स्चर्स एट कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन, स्टॉक एट कॉस्ट, डेटर्स इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 37,500 है, 7,200 इक्विटी शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, बैलेंस एट बैंक और ए लिमिटेड। बेटा हाईलाइट दिस वर्ड ए लिमिटेड, इज दैट ओके? तो बी के बुक्स में ये एसेट दिख रहा है, तो ए की बुक्स में ये लाइबिलिटी दिखना जरूरी है, 40,500 दिख रहा है। हाय रब्बा, ये तो लफड़ा हो गया, 4,500 और 48,000 कितने का लफड़ा हो गया? 7,500 कैश इन ट्रांजिट की एक एडजस्टमेंट है, चेक कर लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 4th, हाँ या ना? सो कैश इन ट्रांजिट विल बी शोन एज, ये 48,000 कैंसिल होगा और 40,500 कैंसिल होगा, तो इधर एक नया आइटम आएगा, कैश इन ट्रांजिट। Agreed? Okay. Next. Then you have got capital, then you have got securities premium account and capital reserve account, that is opening balance, general reserve account, that is also an opening balance, and then you have got P&L account, opening balance and profit for the year 2011, creditors or B limited.
बैलेंस शीट में जो कॉमन आइटम था वो मैंने करवा दिया, बाकी का मुझे नहीं लगता कोई नई चीज है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड ऑन 31st December 2011। प्लीज हाईलाइट द वर्ड 31st December 2011। एग्रीड टूगेदर विथ वर्किंग नोट्स आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। प्लांट ऑफ बी लिमिटेड वॉज रीवैल्यूड on 1-1-2011 at 8,10,000 and fixtures at 75,000 and trade investments were deemed to be valueless. There were no transaction of purchase or sale of this asset during the year 2011. The director wished to give effect of above revaluation in the consolidated accounts. Is that okay? Yes. Depreciation has been provided for the year 2011 on plant at 10% and fixtures at 5%. The stock of B Limited included rupees 60,000 goods purchased from A Limited who have invoiced these goods cost plus 25%. बेटा मुझे एक बात बताओ किसका स्टॉक है? B का है तो प्रॉफिट किसको हुआ होगा? A को। स्टॉक B का है तो प्रॉफिट किसका है? A का। A का है तो कौन सा शेड्यूल? नोट नंबर 2 या नोट नंबर 5 रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली? नोट नंबर 2। क्यों प्रॉफिट किसको हुआ है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा तो तुम यहीं पे खरबूजे कट गए। क्यों कट गए तुम? क्योंकि किसका स्टॉक है? बी लिमिटेड का स्टॉक है। बी लिमिटेड के पास स्टॉक है तो प्रॉफिट किसको होगा? ए लिमिटेड को। यस और नो? अ चेक ऑफ 7,500 इज इन ट्रांजिट एंड ए लिमिटेड एक्वायर्ड द इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 1st January 2011। दैट मींस द होल ईयर इज पोस्ट एक्विजिशन करंट ईयर। यस और नो? आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू स्टार्ट डूइंग द फॉर्मेट राइट नाउ एंड डू इट। आई एम कमिंग इन अ वाई start doing it. यस साथ में कर रहे हैं, चल साथ में कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट लिखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। लिखो बाबू शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना लिखेंगे? 7,280% और माइनॉरिटी 20% 9,100। तो 90% बोलने वाले काला बाबा पकड़ के ले गया तुझे तो पहले ही वर्किंग नोट में। और आईसीआई हाँ बस आगे चेकिंग नहीं कर रहे बोले ये डी भाई चलो छोड़ो इसको। आगे क्या लिखेंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते वक्त कितने कॉलम बनेंगे? बी लिमिटेड को ध्यान से देखो, सीआर प्री में जाएगा, जीआर प्री में जाएगा,
पीएनएल अकाउंट प्री में जाएगा और प्रॉफिट करंट ईयर का 75,000 है। आपको एक बात बताऊंगा, पोस्ट में मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा, जिन्होंने तीन कॉलम भी बनाए होंगे तो उधर नीली आया होगा, सो मेरे कॉलम बने दो। चलिए बनाइए, चलिए बना दीजिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड और लिखिए एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट और आपका कॉलम बना प्री और पोस्ट। पहले लिखिए कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, सीआर है क्या बी लिमिटेड का 90,000, कैपिटल रिजर्व 90,000, आफ्टर कैपिटल रिजर्व बी क्विक व्हाट इज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज 1,50,000, वेरी गुड बेटा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हाउ मच 1,20,000, डू यू ऑल एग्री? एंड नाउ यू हैव टू डू द रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑल्सो, प्लीज रीड पॉइंट नंबर वन, प्लीज रीड पॉइंट नंबर वन, व्हाट डज इट से? Plant of B Limited was to be revalued at ₹8,10,000. Please put up your hand on plant and machinery. How much is that? 6,75,000. Yes or no? But 6,75,000 is what? End of the year. Or revaluation ke date kaun se diye? 1-1-2011. Mujhe agar compare karna hai to dono value same date ki chahiye. So to calculate revaluation reserve, I'll do a working note. Computation of revaluation reserve. Agreed? So I'm looking at first one, value of plant and machinery. Yes or no? I'll write down here 1-1-2011. So in the bracket I'll write down 6,75,000 divided by 6,75,000 divided by, can I not say 90%? Come on, give me the figure. 7,50,000. Do you all agree? Ye apni baat hui thi. Or 1-1-2011, this is book value, and I'll write down here revalued figure, revaluation figure, that is on 1-1-2011 only. They have given me the value 8,10,000. Say yes or no. So if I have to compare it, what is the revaluation profit? Don't you think so? It is 60,000. Do you all appreciate? Dusra, value of plant and machinery ke baad mein beta, next item hai fixtures. Fixtures ka balance mujhe de rakha hai unhone 75,000. Aur beta ji, aapka idhar wala value kitna hai fixtures ka? 85,500. I'll write down 85,500 divided by how many percent is sir? 95%. It turns out to how much? 95,000. Now this is positive revaluation reserve. This will become negative revaluation reserve and it would be equal to how much? 90,000 are right? Okay. 90 minus 75,000. It would be how much? 15,000. नेगेटिव रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस और नो? क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है 90,000 और आपका रिवैल्यूड फिगर कितना है 75,000, सो दिस इज अ नेगेटिव रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस और नो? और इसका कितना आ रहा है 7,50,000 आ रहा है बुक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू और रिवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है 8,10,000, सो दिस इज पॉजिटिव 60,000। नाउ प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस रॉन्ग? वेरी गुड, ओके। सेकंड में साइन आपने पॉजिटिव ही रख दिए, ओके ओके। तो 95% की जगह 90% कर दिया, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई। बट कुछ बच्चों ने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ करना है। ध्यान रहे, दोनों डेट कंपेयर करने के लिए सेम डेट चाहिए। बैलेंस शीट डेट को 31 दिसंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते 1 जनवरी की डेट से। एग्रीड? अब पूरी क्लास का ध्यान इधर, हम क्या करेंगे देखिए। पॉइंट नंबर डी में मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटा जी मैं लिखूंगा किसका? प्लांट एंड मशीनरी। कितना बेटा जी? 60,000, यस और नो? ये पॉजिटिव है बेटा, तो इधर उसका डिप्रिसिएशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्टैंडअलोन में डिप्रिसिएशन उन्होंने कम चार्ज किया, तो मैं भी चार्ज कर रहा हूं।
और बेटा जी नेक्स्ट लिखूंगा फर्नीचर, कितना आएगा बेटा जी? माइनस 15,000, तो इधर नेगेटिव 15,000 किया। प्लीज मेरी क्लास का ध्यान इधर, 15,000 का 5% 750 आई एम गोइंग टू ऐड, बिकॉज स्टैंड अलोन में डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ हायर वैल्यू 90,000 इन फैक्ट, बट आई शुड हैव प्रोवाइडेड इट ओनली ऑन व्हाट 75,000, सो आई एम रिवर्सिंग द डेप्रिसिएशन, यस और नो? 15,000 का कितना परसेंट निकाला मैंने? 5%, डू यू एग्री? बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रीड इट, व्हाट डू दे से अबाउट ट्रेड इन्वेस्टमेंट वी आर डीम टू बी वैल्यूलेस? बेटा प्लीज देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू, 37,500, तो मैं प्री में 37,500 नेगेटिव लिख दूंगा ब्रैकेट। यस और नो? बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होती। अब इसके अलावा क्या है? करंट ईयर प्रॉफिट है क्या? ई करंट ईयर प्रॉफिट, बेटा देख के बताओ मुझे करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर का प्रॉफिट आपको देख के रखा है 2011 का, आई बिलीव इट इज 75,000। एग्रीड? नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू टेक अप द टोटल ऑफ दिस, प्लीज टेक अप द टोटल। कितना रहा बेटा? सो यू आर एट 367,500 और इसका आ रहा है 69,750, वेरी गुड। Have you understood this part? अब इसके second effect दिमाग में रखना, revaluation reserve के specially, fixed asset पर एक impact जाना बाकी है, yes or no? Now please let me know what is this? Holding, holding को कितना जाएगा? 80%, कितना आएगा बेटा? 367,500 into 80%, बताओ कितना आ रहा है? 2,94,000, it is a shaded portion। और बेटा जी माइनॉरिटी का कितना आएगा? 55,800, 73,500 एंड व्हाट अबाउट दिस 69,750 का कितना आएगा? 55,800 एंड व्हाट अबाउट माइनॉरिटी 39,50, वेरी गुड बेटा। प्लीज कंप्लीट इट ऑफ। अभी क्या करेंगे हम? सीओसी वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हियर वी कैलकुलेट गुडविल और सीआर, सो आई विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। बेटा व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज? आई बिलीव इट इज, हाउ मच इज दैट? 8,10,000। प्री एक्विजिशन डिविडेंड है कोई? नहीं। लेस नेट असेट रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट वन क्या है? शेयर कैपिटल। सो आई राइट डाउन इन द ब्रैकेट बॉयज एंड गर्ल्स 9,00,000 इंटू 80%, कैन आई नॉट हैव द फिगर? 7,20,000, इजंट इट? And then I'll write down pre-acquisition reserves. Working note number 2. Can I have not the figures? Shaded portion 2,94,000. Do you all agree? So I think the figure would be negative. So I'll write down capital reserve, isn't it? 2,04,000. So I've got a capital reserve. और गंदा लिख बेटा तू थोड़ा सा, और गंदा लिखो, कोई कोई दिक्कत नहीं बेटा, और गंदा लिखो, क्या प्रॉब्लम है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद में नेक्स्ट आइटम कौन सा है?
माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बेटा प्रेजेंटेशन सुधार दो, मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, शेयर कैपिटल, टेल मी शेयर कैपिटल, आई विल राइट डाउन, इट वुड बी 1,80,000, दैट इज 9 लाख इंटू 20%, शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें प्री एक्विजिशन रिजर्व, बेटा लास्ट लाइन देखकर बताओ मुझे कितना है, 73,500, एंड व्हाट अबाउट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, 13,950, कैन यू प्लीज टेक अप द टोटल, आफ्टर दैट माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में क्या है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, हा बेटा ऊपर क्या, हाँ तो टोटल कितना आ रहा है, अरे नलायक टोटल तो बराबर बोल दिया करो यार, नहीं तो टोटल मत बोला करो ना, इतनी तकलीफ है तो 2,67,450, ऑल राइट, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, आई विल क्रिएट द कॉलम फॉर देम, what are the columns my dear friend, I will create a column of securities premium, then capital reserve, then general reserve, P&L account, do you all appreciate, okay, so what will I write down, opening balance of holding company, securities premium my dear friend is 2,70,000, then capital reserve is 1,20,000, then 2,25,000, and boys and girls P&L account is 6 lakh, nahi hai to fir mat likho, mere book mein to chapa hai, tu subsidiary ka dekh rahi hai gundu, tumhe dekhna kiska hai, होल्डिंग का कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बनता है ना, वर्डिंग क्या है, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, होल्डिंग का लीजिए, ऐड ऐड क्या ऐड, आई विल राइट डाउन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, सो इट विल बी एडेड इन पी एंड एल अकाउंट ऑफ द करंट ईयर एंड इट शैल बी इक्वल टू हाउ मच, 1,65,000, सही है, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज 2,40,000, गलत फिगर देख लिया मैंने, 2,40,000 है क्या, चेक कर ले भाई, प्रॉफिट फॉर 2011 2,40,000, एग्रीड, ऑल राइट, देन आई शैल से एड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरी, पोस्ट एक्विजिशन वाला देखकर बताओ मुझे, 55 दिस विल गो हियर, देन नेक्स्ट एड कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन, कितना है कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन, सीओसी वाली वर्किंग नोट, योर कॉल इज 2,04,000 इजंट इट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, तुम उसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे थे तो वो लाइन वापस पढ़ो, मैं तुमको जब पूछ रहा हूं स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड, स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड मतलब बी लिमिटेड के पास स्टॉक है तो किसने बेचा होगा यार, ए लिमिटेड ने, तो ए लिमिटेड ने बेचा है बेटा,
सब्सिडरी को प्रॉफिट हुआ रहेगा तो देन इट विल गो इन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, बट यहां पर बी लिमिटेड के पास स्टॉक है, किसने दिया? ए ने दिया, तो प्रॉफिट किसको हुआ? ए को हुआ, ए होल्डिंग है, ए होल्डिंग है, तो नोट नंबर कौन सी है? 5, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो बेटा मैं करूंगा लेस यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट। बेटा कितना अमाउंट है? 60,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 60,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, कैन आई नॉट हैव द फिगर फ्रेंड्स? 12,000 नेगेटिव। अब तुम मुझे पूछोगे कि सर 25 डिवाइड बाय 125 क्यों लिया? मुझे पता है ये बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी बता देता हूं। सी प्लस पी इज इक्वल टू व्हाट? एसपी, यहां पर परसेंटेज कॉस्ट का दिया इसलिए उसको 100 पकड़ूंगा। पी 25 आएगा, एसपी 125 आएगा, यस। अब बेटा जो स्टॉक दिया है वो स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड बताया, वो कॉस्ट पर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बी लिमिटेड जब अपना स्टॉक बताएगा तो वो कौन से प्राइस पर बताएगा? सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई बेटा? 60,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा जी? एक्स। एंड हाउ मच इट टर्न्स आउट टू? इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 60,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 एंड विच इज नथिंग बट 12,000, इजंट इट? बेटा नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1, इसका एक इफेक्ट देना बाकी है प्लांट एंड मशीनरी में, बट हमने रिवैल्यूएशन का तो इंपैक्ट दे दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2, इसका एक इंपैक्ट हमने दे दिया, फिक्स्ड एसेट पे देना बाकी है, डेप्रिसिएशन का पोस्ट में दिया। स्टॉक का एडजस्टमेंट 1 दे दिया अभी, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1 देना बाकी है। देन द स्टॉक के बाद में फोर्थ एडजस्टमेंट चेक, बेटा इसका एडजस्टमेंट क्या करना होगा? हमने 2 नलिफाई कर दिया और एक नया आइटम क्रिएट किया था बैलेंस शीट में, वो क्या आएगा? चेक इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट एंड ए रिक्वायर्ड। ये हमारे लिए सिर्फ डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो हमने ये समझ लिया कि इसके बाद का क्या होगा पोस्ट। तो बेटा जी और कोई भी एडजस्टमेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं जाएगी, इसकी टोटल लीजिए, ये 2,70,000 और 120 प्लस 2,04,000, इट विल वर्क आउट टू 3,24,000 और 2,25,000 मेरे बच्चों, और 6,00,000 प्लस 240 इज 8,40,000 प्लस 55,800 माइनस 12,000, कैन आई नॉट हैव द फिगर प्लीज? हाँ, 8,00,000, 8,83,800, डू यू एग्री? हाँ बेटा। अब वापस हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करेंगे बेटा। सो लेट्स रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। अरे ढोकली, वो होल्डिंग का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसमें डेट मेंशन करने की क्या जरूरत है सिक्योरिटीज प्रीमियम को? जरा जाके देखो डेट कब है, जब हमको क्लासिफिकेशन प्रॉफिट को करना पड़ता है प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट हम किसका करते हैं? सब्सिडरी का। सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका है? होल्डिंग का, तो उसको प्री पोस्ट में क्यों क्लासिफाई करेंगे और उसको डेट की क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, समझिएगा नहीं? चलो जल्दी से कैलकुलेटर हाथ में रखो, 3,75,000 प्लस 1,12,500 फिगर बताइए। 287, अरे राम छोरी पान खा के आती है ऐसे बात करती है, तो बराबर बता ना, 487,500 बेटा। नेक्स्ट टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 10,80,000 प्लस 6,75,000 बेटा कितना रिवैल्यू किया जरा चेक करके देखो, 60,000 एड 60,000 लेस डिप्रिसिएशन, 10,80,000 बराबर है प्लस 6,75,000 प्लस 60,000 माइनस कितना बेटा? 6,000। ये वाला फिगर बता दो कितना रहा है? 18,09,000 कह रहे हो क्या? अच्छा फर्नीचर का बता दो बेटा, सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 1,95,000 प्लस 85,500 माइनस 15,000 प्लस 750, 266,250 बराबर है क्या? ओके। नेक्स्ट बेटा स्टॉक एट कॉस्ट, बेटा 2,70,000 प्लस 1,80,000 माइनस 12,000, क्या आप तक बात पहुंच रही है? कितना आ रहा है? 4,38,000। देन डेटर्स 940,500 प्लस 3,16,500 12,57,000 बेटा। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड वैल्यूलेस जीरो,
इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट नहीं जाता। नाउ बैलेंस एट बैंक 150 प्लस 45,000 1,95,000, ये वाला नलिफाई हो जाएगा और मुझे एक नया आइटम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैश इन या चेक इन ट्रांजिट। बोलो कितना है? 7,500। मैंने कहा गुडविल है क्या कोई इस क्वेश्चन में? कंसोलिडेशन में कोई गुडविल नहीं आई है, आई नहीं, ये कुछ भी नहीं आएगा। कितना आएगा? 18 लाख। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बेटा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखकर बताओ 2,70,000। बेटा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस देखकर बताओ मुझे 1,20,000। सॉरी कंसोलिडेशन का भी था ना, कितना बेटा? 3,24,000। सॉरी बेटा 3,24,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व का बैलेंस देखकर बताओ बेटा 2,25,000। बेटा पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस देखकर बताओ फाइनल 883,800। नेक्स्ट बेटा जी क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 6,90,000। और बेटा जी बी लिमिटेड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। और माइनॉरिटी कितना आएगा? 2,467,450। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एडजस्टमेंट नंबर वन का सेकंड इफेक्ट दे दिया क्या? एडजस्टमेंट नंबर वन का सेकंड इफेक्ट दे दिया क्या? एडजस्टमेंट नंबर टू का सेकंड इफेक्ट दे दिया क्या? थ्री का सेकंड इफेक्ट दे दिया क्या? ध्यान आना लाइक स्टॉक में से गाइस आप। और चेक का भी एडजस्टमेंट हो गया क्या? हां जी। और फिफ्थ का कुछ नहीं। तो अभी हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, अब जरा बैलेंस शीट को टैली करके बताओ 487,500 प्लस 18,09,000 प्लस 2,66,250 प्लस 4,38,000 प्लस 12,57,000 प्लस 1,95,000 प्लस 7,500 44,60,250। ओके, टेक द टोटल ऑफ द असेट साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड, टेक ऑन ए कैलकुलेटर 2,67,450 प्लस 18 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 3,24,000 प्लस 2,25,000 प्लस 8,83,800 प्लस 6,90,000, डज इट टर्न आउट टू 44,60,250 आ रहेगा। आ गया तेरा नहीं आया? खेलते रहे बेटा क्या है घर का राज है अपना। लेट्स कम डाउन टू द बैलेंस शीट नाउ। चलो बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर दो बेटा, सारे वर्किंग नोट हमारे हो गए थे। नाउ राइट डाउन शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of A limited and its subsidiary B limited, उसके अंदर शेयर कैपिटल कितना है बेटा? आपके बोलने के हिसाब से 18 लाख आ रहा है क्या? सो राइट डाउन 18 लाख। बेटा पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर आप ब्रेकअप देना चाहो तो ब्रेकअप दो या चारों का कंसोलिडेशन करके मुझे फिगर बताओ। $17,02,800 is a call and that's right.
17,02,800, आप चाहो तो ब्रेकअप भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से कोई करंट नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख लीजिए पहले। आप लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 267,450, और शेयर होल्डर्स फंड आएगा 35,02,800। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहे बेटा, करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का कितना आ जाएगा 6,90,000 इज द कॉल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। टेक द टोटल 34,60,250, इजंट इट? कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? या टेल मी व्हाट आर द असेट्स, असेट्स नॉन करंट असेट्स टेंजिबल। कैन यू गिव द ब्रेकअप ईयर इटसेल्फ? Do you want me to create a note? Will we create a note? Okay, तो revaluation के हिसाब से note बनाना है, चलो note बना लेते हैं, आ जाओ। So fixed asset के note में मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा? पहली fixed asset कौन सी है? Plant। Agreed? तो I'll write down A limited, it is 10,80,000 and B 6,75,000, I'll say add revaluation reserve, how much 60,000 is what you said, less depreciation, can I have the figure? $6,000, can I have the outer column figure? 18,09,000, and after fixed asset, you'll have fixtures. Fixtures, what is the amount, friends? 1,95,000. A, B, 85,500 less revaluation reserve. This is a downward revaluation. 15,000 is what you say, and I'll add depreciation on same. 750, can I have the outer column figure? 266,250, give me the total, friends. $20,75,250 is what you say, very good. Now where do we go? Okay. So give me the fixed asset ka value. 20,75,250, isn't it? Intangible kitna aayega? Kuch bhi nahi hai. Jo consolidation mein aane wali goodwill kuch bhi nahi hai. Jo balance sheet mein existing hai wo kitni hai? It is 3,75,000 plus 1,12,500, isn't it? Kitna hai? 487,500, is that okay? Intangible goodwill. Goodwill के बाद में next item कौन सा है? हाँ बेटा जी, current assets. Can you not give me the figure of current assets? What are those?
करंट असेट में आपका आएगा स्टॉक, डेटर्स एंड बैलेंस एट बैंक, कैश इन ट्रांजिट एज वेल एज. सो इन्वेंटरीज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड लेस आई विल डू व्हाट, 12,000 स्टॉक रिजर्व, इजंट इट 2,70,000 प्लस 1,80,000 माइनस 12,000, इट इज 4,38,000, इजंट इट. What is the next item? Trade receivable. A limited, B limited. Is there any adjustment in that? No. After trade receivable, you have got bank balance. And you will also have cash in transit, isn't it? So here you can see remittance in transit, 7,500, and bank balance, I have just added it up. And this is your final answer. It tallies with 44,60,250. Have you done? Mugambu. यहां से अभी थोड़ा सा होल्डिंग का फील आने लग गया होगा. Come down to question number 4. Can you go ahead now? Come down to question number 4. The following are the balance sheet of X Limited and its subsidiary Y Limited as at 31st December 2011. You have got equity shares of 100 each. Then general reserve, then profit and loss account and sundry creditors. You then also have buildings, machinery, furniture, stock, debtors, investment and cash. Okay, any issues so far? So balance sheet is straightforward, I believe. X Limited acquired 80% of the shares in Y Limited on 1st April 2011. Highlight this date on 1st April 2011. Can you please go and check what is the balance sheet date? 31st December, so that means in the current year, 3 months would be pre and remaining 9 months would be post. At the total cost of 1,12,000, the profit and loss account of X Limited includes interim dividend at the rate of 10% per annum from Y Limited declared after 1st April 2011. बेटा वो ये बोल रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडरी कंपनी द्वारा दिया गया इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड कर रखा है, तो ट्रांजैक्शन स्टैंड अलोन में इंप्लीमेंट हो चुकी है. आई वुड लाइक टू रिपीट इट, ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन स्टैंड अलोन, बट वेन यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट राइट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, अगर सोर्स प्री हो गया तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इट विल कॉल फॉर व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यस और नो. अब मैं आपसे और एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या लिखा है आपको आगे, इट्स स्टॉक इंक्लूड्स, हू स्टॉक इंक्लूड्स, इट्स स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 स्टॉक एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, हाईलाइट द वर्ड परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड,
Now, when I use the word purchase from Y Limited, what do you mean by? Who made profit? Why? Why is कौन है? Subsidiary. कौन सी working note आपको याद आती है? Analysis of profit. पिछली problem में profit किसको हुआ था? Holding को. तो आपको कौन सी working note याद आई थी? Consolidated reserves and surplus. Am I communicating or not? And the creditors included 6,000 for purchases from Y Limited. Y Limited follows the practice of adding 25% on cost in order to determine the selling price. So it's very simple. 25 divided by 125 aayega. Aapka kis mein? Stock mein 3,000 mein. Creditors is not going to get affected by profit. Creditors are going to simply get nullified against debtors and creditors as mutual owings. 6,000 aapka cancel hoega. 3,000 into 25 divided by 125. You are going to do the analysis of profit. Mein post mein se minus or stock mein se bhi minus. Am I communicating? Yes. The balance of profit and loss account on 1st Jan 2011 in the books of Y Limited was 28,000 and interim dividend of 10% per annum having been paid during the year out of the said undistributed profits. Gaon walo, meri itni si baat sun lo. Tumne interim dividend kahan se diya? Interim dividend kahan se diya? Undistributed profit mein se. Agreed? जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट वो 28,000 का बैलेंस कौन से तारीख का है? 1st April 2011. यस और नो? व्हेन डिड यू गिव इंटरिम डिविडेंड फ्रेंड्स? ऑन 1st April. हाँ या ना? व्हेन डिड यू गिव इंटरिम डिविडेंड? ऑन 1st April. डू यू थिंक सो यू आर ओनिंग द शेयर्स ऑन 1st April? यस. और उन्होंने बोला भी है कि डिविडेंड रिसीव हुआ है. हाँ या ना? बेटा जी, जो आपको प्रॉफिट दिया गया है वो 28,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड दिया होगा. तो कंपेयर अगर पांडे जी 28,000 को क्लोजिंग बैलेंस से किए हो ना, तो समझ जाना फंस जाओगे. 28,000 में पहले माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड और फिर जो बैलेंस आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस के साथ आइडेंटिफाई कर आप प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर निकालेंगे और ये प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आप बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:9. मैं वापिस रिपीट करना चाहूंगा, 28,000 में से डिविडेंड माइनस हुआ है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि 28,000 बैलेंस कौन से तारीख का बेटा? 1st Jan 2011. गो एंड लुक इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज एज ऑन व्हाट डेट? 31st December 2011. डू यू थिंक सो उसके अंदर से डिविडेंड एडजस्ट हो चुका होगा? यस. उसके अंदर से हो गया. सो आई कैन नॉट कंपेयर अ प्रॉफिट विच इज वन इज बिफोर डिविडेंड एंड द अदर वन इज आफ्टर डिविडेंड. आई हैव टू डू व्हाट? पहले ओपनिंग में से माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर वहां से किया है. फिर जो बैलेंस आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करूंगा और क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करने के बाद में मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, विच आई विल डिवाइड इट बिटवीन टू पीपल. व्हाट इज द फर्स्ट वन? प्री एंड पोस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:9. गोइंग अहेड, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2011 हैज बीन अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर. ये लाइन इसलिए दी गई है सो दैट 3 महीना और 9 महीने में आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पॉज, अ स्मॉल पॉज. मैडम please take a small pause. Why did they use the word 10% per annum dividend के लिए? Law तो तुम्हारा हुआ होगा, per annum bold भी किया हुआ, exam में bold किया हुआ नहीं आएगा. Law हुआ होगा. Interim dividend generally कितने महीनों के लिए दिया जाता है? Interim dividend, अरे law पढ़ा होगा ना, interim dividend कितने महीनों के लिए दिया जाता है? कितने महीनों के profit के बाद में interim dividend calculate किया जाता है? 6 महीने के लिए किया जाता है क्या? इंटरिम डिविडेंड जनरली इज गिवन इन मिड ऑफ द ईयर, इन बिटवीन द ईयर. सो वी विल अज्यूम दैट इट इज गिवन फॉर 6 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? वी विल अज्यूम दैट इट इज फॉर द प्रॉफिट ऑफ हाफ ईयर. 6 महीने का प्रॉफिट के बेसिस पर उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया. जब रेट पांडे जी 10% पर एनम देते हैं ना, तो 6 महीने का रेट में 5% पकड़ूंगा. ऐसा मैं नहीं, आपकी मॉड्यूल ने किया, इसलिए मैं करा रहा हूं. समझ आई के बाद ध्यान में लॉजिक. बट अगर किसी बच्चे ने 10% से करके आ गया तो आंसर गलत है क्या? आपको एक अप्रोप्रिएट अजम्पशन लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जामिनर 10% पर एनम ऐसा शब्द यूज करता है, डिविडेंड डज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल. डिविडेंड इज ओनली डिक्लेयर्ड 10%, बट जब पर एनम वर्ड है तो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम यू. उसे और कुछ मिर्च मसाला चाहिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है. सो 10% पर एनम को मैं कितना पकड़ूंगा बेटा जी? 5% फॉर 6 मंथ. एंड आई बिलीव दैट इंटरिम डिविडेंड इज गिवन फॉर 6 मंथ्स एंड हेंस अकॉर्डिंगली आई विल डिवाइड द रेट एज 5% पर एनम. क्या बिगड़ जाता है अगर गरीब बच्चों के लिए बता देते कि डायरेक्टली 5% है?
हमारे बच्चे इतने तो समझदार है कि डिविडेंड कैसे निकालना है, बट दो चार खरबूजे ऐसे ही कट गए उसमें। पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर गया, प्रॉब्लम इजी थी सर, बट नालायक कर दिया उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप होशियार हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, घर वाले अभी भी काला टीका लगा के भेजते बाहर, है ना। चलो आ जाइए, पहली नोट लिखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब जरा फुर्ती से आज चलाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना आप फास्ट लिखोगे उतने पास होने के चांसेस आपके बढ़िया है। कल को तुमको भी यही भाषा बोलते आनी चाहिए, चीते की चाल और क्या, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। वैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग पर संदेह नहीं करते, अच्छा तुमको ही संदेह हो रहा है। लोगों की क्या बातें कर रहे हैं सर, एग्जामिनर को तो पहले हो जाता है। भाई तू बराबर से लिख यार, नहीं तो मैं तेरे को मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मेहंदी की क्लास लगवाऊंगा ना, लाइक फिर कहीं जाके तेरी हैंडराइटिंग सीधी साधी होगी, ऐसे लगता है कीड़े मकोड़े भाग रहे इधर उधर इंक में डूब कर। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 1/4/2011 कितना भाई जी, 80%, और ये कितना आएगा 20%। सही है मेरे बच्चों, नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कितने कॉलम बनेंगे भाई जी, प्री और पोस्ट में ये दो बोल रही, दो क्यों बनेंगे भाई जी, ये छोरी पागल हो गई रे भाई, कुछ भी बोलती रहती। 1/1/2011 का प्रॉफिट है रे, जी आर एन अलाइक, तो पूरा का पूरा प्री हुआ ना, ढोकली डेट देखती नहीं कुछ नहीं। भाई आज ये छोरी ना सुने ना तो ले जाइए आज डॉक्टर के पास, भर्ती कराई हो। हाँ बोलो भाई, पहला आइटम कौन सा है, जीआर दिया हुआ है क्या, लिखो दबा के जीआर, प्री में लिख दो 2000। जीआर 2000 लिख दिया भाई, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनर कॉलम में 28,000 क्यों लिखा आपको पता होगा, क्योंकि 28,000 ये बिफोर इंटरिम डिविडेंड है। अब बेटा शेयर कैपिटल कितना है, देख बेटा 50,000 है क्या, 50,000 का 5% निकालो बेटा, 2,500 लेस इंटरिम डिविडेंड पेड 2,500। मैंने अज्यूम किया है पर एनम दिया है तो 6 महीने का निकालना है, तो इंटू 6/12 किया है, हाँ है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा, सुन 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 सुन, इतनी सी बात सुन लो यार, 28,000 माइनस 2,500 करो, 25,500 आ रहेगा, माइनस करो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, 36,000 माइनस करो 36,000, 10,500 प्री और पोस्ट में जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:9, तो ये देखो यहां पर गया 25,500, अब 3:9 में करो 10,500 कितना रहा गुड़िया, 3,500 बता रही है, चुप झूठी, 10,500 डिवाइड बाय 12 × 3, अरे बताइए छोरी, अरे वेरी गुड, चलो लिख लीजिए। मैं जाऊंगा ही नहीं आगे अभी जब तक तुम अगले एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, जाऊंगा ही नहीं मैं तो आगे, जाऊंगा ही नहीं बिल्कुल। स्टॉक रिजर्व क्यों क्यों क्यों, इधर क्यों करोगे, पिछली प्रॉब्लम में उधर क्यों की, इधर क्यों करेंगे, सब्सिडरी का प्रॉफिट है, इसका शेयर है क्या, अच्छा शेयर बच्चे तो इसका शेयर है, कितना शेयर है मुझे बता तो देख के जरा, 3,000 है स्टॉक की वैल्यू, क्रेडिटर को अगर हाथ भी लगाना तो याद रख लेना, क्रेडिटर और प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। 3,000 × 25 डिवाइड बाई 125 कितना, 600, 600 माइनस कर दो पोस्ट में से,
ये पोस्ट में से माइनस किया मेरे बच्चे 600। रजनी जी कैलकुलेटर जल्दी जल्दी चलाइए ना। यस कैन आई हैव द टोटल प्री 3125 और पोस्ट 7275 इजंट इट। कैन यू नॉट कैलकुलेट व्हाट इज प्री एंड पोस्ट? कैलकुलेट करके बताओ इसका शेयर। ट्वेंटी फोर वन हंड्रेड शेडेड पोर्शन आया क्या? और दूसरे वाले का कितना आएगा नीचे 6025 फिर 5820 और 1455। तुमको अगर याद होगा तो ये पूरी की पूरी वर्किंग नोट 100% पर गेम खेलती है। डन नाउ लेट्स गो ऑन। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्किंग नोट? सीओसी, राइट डाउन द हेडिंग सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सो आई विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स कैन आई हैव द फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो बिल्कुल सही बोली छोरी 1,12,000 फिर लेस शेयर कैपिटल कितना उधर बेटा इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन 50,000 इंटू 80% बोल बेटा कितना है 40,000। बेटा शेडेड पोर्शन जाके देख के आओ, शेडेड पोर्शन देख के आओ। प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना बेटा बेटा 24,100। एक चीज मैं गलत कर रहा हूं बताइए मुझे कौन सी चीज, आइडेंटिफाई करके बताइए। तुमने मुझे गलती करने कैसे दी पांडे जी? एक चीज में गलत कर रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा वो। आंसर में मिलेगा। आज जाके मां को क्या बोलोगे? वेरी गुड। तू अकेली बोलेगी मां मेरे को काला टीका लगा, बाकी के दोनों जाके बोलेंगे अच्छा। सो लेस डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, याद आ रहा है क्या? ये आपको पहले लेस करना होता है। कितना डिक्लेयर किया था बेटा डिविडेंड, जरा देख के बताओ मुझे डिविडेंड कितना है? 2,500 कभी लेस नहीं होगा डायरेक्टली इंटू 80% और लेस होगा 2,000। सो यस गुंडू, अच्छा वेरी गुड आंसर। इस साइड के सर वहां दिया नहीं है कि डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। अगर बोला नहीं है कि बेटा इन्वेस्टमेंट में से लेस हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुझे इन्वेस्टमेंट का फिगर कहां पे दिया हुआ? देख टोटल कॉस्ट ऑफ 1,12,000, देख नीचे बैलेंस शीट के नीचे 1,12,000 है और वही फिगर तेरे बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो डिविडेंड मिला है वो उधर क्रेडिट हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो कहां गया होगा? पी एंड एल अकाउंट में। और उन्होंने ये बात भी बोली है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड्स, सेकंड लाइन पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, सो दैट मीन्स इट वॉज क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट बेटा, सही है? नाउ प्लीज गेट मी वेदर इट इज गुडविल और सीआर। I think it is goodwill. What is the goodwill figure? हाँ नहीं नहीं ये dividend declared out of pre-acquisition reserve बोलेंगे, consolidated reserves and surplus में आप उसको नाम दोगे, rectification of error बोल सकते हो आप। 45,900 is the value of goodwill.
Can I not have the second? What is the next item? Okay, beta, minority interest. I write down minority interest. Yes, bolo kitna hai? Share capital 10,000. Fir next, pre-acquisition profits. Kitna beta ji? 6025. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में और फिर उसके बाद में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना बेटा 1455. कैन आई हैव द टोटल प्लीज? कितना 480, 17,480 माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में नेक्स्ट आइटम कौन सा है? शैल आई टेक यू हेड? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. फर्स्ट आइटम कौन सा है? अच्छा ये इधर कर लेंगे, दो कॉलम बना देंगे. जनरल रिजर्व और फिर पी एंड एल अकाउंट. बोलो बेटा कितना आएगा? ओपनिंग बैलेंस 95,000 और 80,000. वेरी गुड. देन व्हाट नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स? शेयर इन सब्सिडरीज प्रॉफिट. बेटा आप मुझे बता सकते हो कि जनरल रिजर्व में कोई शेयर है? नहीं, सारा ओपनिंग बैलेंस है. बेटा पोस्ट वाला देखो, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 5820. वर्किंग नोट नंबर 2 से पता चल रहा है. उसके देख लो, सारे प्रॉफिट चले गए. एक सीओसी में गया, एक कंसो पी एंड एल अकाउंट में गया और एक माइनॉरिटी में. नीचे के दोनों माइनॉरिटी में गए. हाँ नहीं, चल बेटा टोटल ले ले. अच्छा, कोई भी स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट इधर होगी क्या? नहीं, क्योंकि होल्डिंग को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है. सो यह आएगा 95,000, 85, 820 एंड इट शैल टैली. व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू नेक्स्ट? बैलेंस शीट किसी को बताना मत. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लेट स्टार्ट डूइंग इट. पहले मैं क्वेश्चन में करूंगा बेटा. धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी बेटा, आप ओरली करने लग जाओगे. प्लीज ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड स्टार्ट डूइंग इट. 1,03,000 प्लस 30,000 इज 1,33,000. मशीनरी आएगा बेटा 25 प्लस 24,000 इज 49,000. फर्नीचर आएगा बेटा 8,100. बेटा स्टॉक में से कितना माइनस किया? 600 माइनस किया जितना मुझे याद है. हाँ नहीं, 34,000 प्लस 20,200 माइनस 600 कितना? 53,600. ओके, सन्ड्री डेटर्स बेटा 28,000 प्लस 15,800 माइनस 6,000. बोल बेटा कितना है? कितना? 37,800. इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा. कैश 33,000 प्लस 11,000 44,000. गुडविल कितनी आई बेटा? गुडविल सीओसी में 45,900. यस और नो? एंड लवली पीपल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 1,50,000. जीआर 95,000 ही था. कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में देखकर बताओ. पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटा? 85,820. और सन्ड्री क्रेडिटर्स वुड बी 15,000 प्लस 16,100 माइनस 6,000. इट वुड बी हाउ मच? 25,100. और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? एम आई
17480 बता रहे हो क्या बेटा? 85820 है ना ये? चलो लो टोटल, अभी 1,50,000 प्लस 95,000 प्लस 85820 प्लस 25,100 प्लस 17480, बताओ तो टोटल। शर्मिंदगी की हद है ये। 373,400 इधर वाली टोटल लीजिए, 45,900 प्लस 1,33,000 प्लस 49,000 प्लस 8,100 प्लस 53,600 प्लस 37,800 प्लस 44,000। टोटल तो बता दो, गलत तो गलत भाई, टोटल तो बताओ। 371,400, दोनों में डिफरेंस कितना बेटा? 2,000 का फर्क है। 2,000 का फर्क कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या? डिविडेंड का क्या? इन्वेस्टमेंट में से हमने डिविडेंड लेस किया था ना? अरे उसके कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में से लेस किया था कि नलायको नलायको कहां गया आंसर मेरा? फिर मैं आंसर कहां लिख रहा था? मैं लिख रहा था ना आंसर? आंसर कहां गया मेरा? हाँ ये इधर रहा, नलायको इधर से कौन लेस करेगा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? वो करना पड़ेगा ना, गलती होगी। चलो एक करो लेस, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बेटा याद है क्या? 2,000 ही मिला था हमें, सो 2,000 इधर से लेस होगा तो ये बनेगा 83,820 बनेगा। हाँ या नहीं? एटी थ्री एट ट्वेंटी आया? अच्छा अब इधर बता दो कितना आ जाएगा? ये वाला फिगर 83,820 हो गया क्या? तो क्या बेटा ये 271,400 हो गया क्या? और ये मैच हो गई, ठीक है। चलो जल्दी से बैलेंस शीट उतारते हैं अभी, एंड लेट्स वाइंड अप द गेम। चलिए लिखिए बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या श्रुति क्या क्या पेंडिंग चल रहा है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट आइटम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड उसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आई बिलीव इट इज 1,50,000, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल लेकर बताओ बेटा मुझे, आपने वर्किंग नोट बनाई, टोटल लेकर बताओ। 178,820, वेरी गुड। सो 328,820 इज द आउटर कॉलम फिगर। फिर बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 17,480 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? So it would be what? Current liabilities, X limited, Y limited, less intercompany dues. Yes or no? बेटा liability side में और कोई भी आइटम नहीं है,
और जब आप आइडेंटिफाई कर उसको माइनस कर देंगे तो पांडे जी क्या आंसर बनता है पता है ना, 371,400। Yes, can I have the next item? Assets. Asset side में पहला non current asset में fixed asset में tangible का total कितना है बेटा? So machinery का 25,000 plus 24,000 is 49,000. और फर्नीचर का आएगा 5,000 प्लस 3,100 इज 8,100, 49,000 प्लस 8,100 कितना हो जाएगा? बिल्डिंग इस तरफ रह गई क्या? तो मुझे कैसे पता चलेगी फिर? बिल्डिंग 1,03,000 प्लस 30,000 इन 1,00,000 टोटल मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 1,90,100। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, डिस्क्लोजर दे देंगे, चलो बना लो, तुम बना लोगे, अब घर जाने की जल्दी हो रही है। चलो इधर ब्रैकेट में तो लिखो ना लाइको, नहीं तो घर में जाके गालियां देते बाबा काय करूं गिला के कड़त नहीं है। क्या लिख के गया बाबा, अरे बाबा 1,03,000 प्लस 30,000। ऐसा तुम्हारे साथ इधर भी होता होगा ना, जब तुम किसी क्लाइंट का कोई एक चीज बनाते हो, पिछली बार तुमने ही बनाया होता है कुछ, तो शॉर्ट में लिख के रख देते हो, फिर खुद को गालियां देते रहते हो, अरे क्या लिख दिया भगवान जाने क्या आइटम है ये, 5,000 प्लस 3,100। ठीक है जी, सरकार नेक्स्ट आइटम कौन सा है? इनटेंजिबल असेट, उसके आएगा गुडविल अंडर कंसोलिडेशन, बताओ कितना है? 45,900। उसके बाद में बोल छोरी के है, तुम्हारा बोलना पड़ रहा है करंट असेट, उसमें पहला वाला है स्टॉक, इन्वेंटरीज एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड टेक अप द टोटल लेस स्टॉक रिजर्व या यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट 600, आउटर कॉलम इज 53,600, इजंट इट? फिर क्या है सेंडरी डेटर्स, उसमें से कुछ कैंसिल होगा, इंटर कंपनी होविंग्स, ट्रेड रिसीवेबल एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, राइट? लेस कितना होगा बेटा? 6,000 एंड इट इज 37,800, इजंट इट? एंड व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना बेटा? 371,400। ठीक है, नाउ टेक वन क्वेश्चन एज एन होमवर्क, बट दैट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। बट ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी में बिना होमवर्क किए कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आपका होल्डिंग परफेक्ट होएगा या स्पीड बनेगी, और स्पीड अगर आपको बनानी है तो क्लास के साथ में होमवर्क करना। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज एन होमवर्क, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो, बट मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 5 आपके हवाले है होमवर्क।
Is that okay? So do try it at home. Is that okay? Ciao. Pyar se bye bolo. And good night.